सब्सक्राइब कर लें टेक टू ग्लाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टू ग्लाइड में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओनर 7X के सक्सेसर ओनर 8X के बारे में, और कब होगा ये फोन लॉन्च, क्या कुछ होगी इसकी प्राइस और क्या कुछ होंगे इसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, बताऊंगा मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना मेरे यूट्यूब चैनल को यार, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी रोजाना ऐसी वीडियोस लाता ही रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि ओनर 8X कुछ महीने पहले चाइना में लॉन्च हो चुका है, अब इसकी लॉन्च की बारी है इंडिया में। अब ये इंडिया में आपको कन्फर्म 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, और ये फोन ओनर का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है, क्योंकि आप ओनर का 7X आपने इस्तेमाल किया था, वो फोन आपने देखा था, बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था, और साथ ही साथ में उसमें कैमरे और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफी अच्छी थी। तो उसी का सक्सेसर है ओनर 8X। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड और डिजाइन की। तो बिल्ड और डिजाइन के मामले में नो डाउट ये एक प्रीमियम डिवाइस की तरह आपको देखने में लगेगा, क्योंकि इसके बैक में भी ग्लास होगा और फ्रंट में भी ग्लास होगा, और बीच में आपको एक एल्युमिनियम का फ्रेम देखने के लिए मिलेगा, जो कि डिवाइस को एकदम प्रीमियम लुक देगा और एक ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलेगी इस फोन पे। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले दोस्तों आपको इसमें एक मैसिव डिस्प्ले देखने को मिलेगा 6.5 इंचेस का, और डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होगा वो FHD प्लस का होगा, साथ ही साथ आपको इसमें एक नॉच भी देखने को मिल जाएगी, और इसका जो एक्सपेक्ट रेशियो होगा वो होगा 19:9, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा वो भी आपको लगभग 90% के आसपास देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस फोन में जो बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे वो काफी थिन बेजल्स देखने को मिलेंगे, जो इस फोन की डिजाइन को और अट्रैक्टिव बना देगा। और आप दोस्तों बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज की। तो रैम और स्टोरेज आपको 4GB 64GB और 6GB 128GB और 6GB 64GB रोम के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलने वाला है, और इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे और इसकी स्टोरेज को एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों साथ में देखने को मिलेगा आपको डुअल 4G सपोर्ट। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें क्रीन का 7110 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये 12 नैनोमीटर फिनफेट प्रोसेस के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों नो डाउट इसमें आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, और इसकी AI कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, और ये सीधा सीधा कॉम्पिटिशन देता है स्नैपड्रैगन 660 को, और ये उससे भी अच्छा प्रोसेसर है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा की। तो आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को इस फोन में मिलेगा, एक कैमरा होगा 20 MP का, वहीं दूसरा कैमरा होगा 2 MP का। जो 20 MP वाला कैमरा होगा उसका अपर्चर होगा f1.8, और साथ ही साथ जो आपको इसमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है वो है 16 MP का। तो नो डाउट फोटोग्राफी अच्छी होने वाली है, लेकिन इसमें आपको फ्लैश का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको एक स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप स्क्रीन को ब्राइट करके और फोटो ले पाएंगे। और दोस्तों इसके कैमरा में आपको एक और बहुत अच्छा फीचर देखने को मिलने वाला है, उस फीचर का नाम है सुपर स्लो मोशन वीडियो, यानी कि जो फीचर आपको सैमसंग और एप्पल प्रोवाइड करते थे वो फीचर आपको इस कैमरा में देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही कमाल बात है ओनर की तरफ से। और अब बात करते हैं दोस्तों इसके UI यानी यूजर इंटरफेस की। तो आपको इसमें एंड्रॉयड 8.1 ओरियो देखने को मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ में आपको इसमें देखने मिलेगी हुआवे की इमोशन UI यानी EMUI 8.2 पर रन करने वाला है ये फोन। और अब मैं बात करता हूँ आपसे सेंसर्स की। तो सेंसर्स की दोस्तों आपको इसमें सारे सेंसर बेसिक देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब बात की जाए बैटरी की। तो बैटरी आपको इसमें 3750 mAh की देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बैटरी होगी, और साथ ही साथ में आपको इसमें फास्ट चार्ज का सपोर्ट शायद देखने को ना मिले, और इसमें जो USB आपको देखने को मिलेगी वो माइक्रो USB 2.0 देखने को मिलेगी, यानी कि आपको जो चार्ज के लिए सी टाइप देखने को नहीं मिलने वाला है इस फोन के अंदर। और दोस्तों जो आपको इसकी प्राइस देखने को मिलेगी वो लगभग 15,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। अगर इतने में ये फोन आता है तो सच में एक धमाल फोन आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में ओनर 8X के नाम से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फोन, और क्या आप इस फोन के लिए वेट करना चाहोगे? अगर आप वेट करोगे तो मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ अगर आप कंपैरिजन चाहते हो इस मोबाइल का किसी और फोन के साथ तो वो भी मुझे बता देना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।